अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया है और आप 3,000 रुपया के अंदर ही रह के एक अच्छा फैन किट लेना चाहते हो, वो भी अपने पीसी के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले इस चमत्कारी फैंस के बारे में, जो कि रॉयल फ्लो RF120 का जो किट है इसके बारे में। यहाँ पे आपको 3 फैंस देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वाले पर्टिकुलर फैन के बारे में बात करेंगे, ये फैन कितने RPM में रन होता है, कितना कलर है, क्या कुछ इस बॉक्स के अंदर मिलता है, साथ ही साथ सारे स्पेसिफिकेशंस विद रिव्यू वगैरह आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉलॉजी। हमारे इस चैनल के अंदर आपको पीसी और लैपटॉप रिलेटेड हर एक कंटेंट देखने को मिल जाता है। चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना अगर आप पीसी के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हो, और लैपटॉप के रिलेटेड वीडियोज तो मैं अक्सर डालता रहता हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे एक लाइक कर दो और चलो फटाफट से वीडियो के अंदर छलांग मारते हैं। हाँ, तो ये है एंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला RF120 रॉयल फ्लो वाला किट, और इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है मैं फटाफट से आपको एक छोटा सा अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिजिकल ओवरव्यू एंड सारे फीचर्स एंड उसके जो लुक है, फाइनली लुक्स वगैरह, बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करके बताऊँगा। सो ये जो है एक छोटा सा अनबॉक्सिंग, पहले आप चेकआउट कर लो। तो गाइस, ये है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स का रॉयल फ्लो RF120 किट का बॉक्स। बॉक्स आप लोग देख सकते हो कैसा पैकेजिंग है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ इस साइड में आप लोग देख सकते हो, इस साइड में आप लोग देख सकते हो, नीचे के साइड में आप लोग देख सकते हो और पीछे के साइड में आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसे टाइप का आपको पैकेजिंग देखने को मिलेगा। एंड ऊपर के साइड में अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को सील भी देखने को मिल जाएगा। ये एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से दोस्तों सील किया गया, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक सील आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद इस साइड में एक सील आपको देखने को मिल जाएगा, एंड दूसरी बात इस साइड में भी आपको और एक सील एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, तीनों ही साइड पे आपको सील देखने को मिल जाएंगे। ये एक एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से येलो कलर का बॉक्स मिल जाता है जिसमें लिखा है रॉयल फ्लो RF120 किट ARGB। देख सकते हो दोस्तों पूरा पीला कलर में आता है, और आई थिंक इसके अंदर ही आपको वो जो हब है वो देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको ये 3 फैंस देखने को मिल जाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीले से बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाता है, इसको हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आपको एक वेलकम गाइड देखने को मिल जाता है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से वेबसाइट और यहाँ पे उनका जो जीमेल अकाउंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। आपको एक एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड दिया गया है, आप लोग यहाँ पे वारंटी को क्लेम कर सकते हो कंपनी में जाके। अगर आप इसको ओपन करते हो यहाँ पे आपको पूरा टोटली बता दिया गया है कंट्रोल बॉक्स के अंदर क्या कुछ आपको करना पड़ेगा अपने कैबिनेट के अंदर इसको जलाने के लिए। फैंस को माउंट करने के लिए यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको 3 पाउच स्क्रूज देखने को मिल जाएंगे। फैन में आप लोग कलर चेंज करने के लिए इस रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉक्स के अंदर आपको एक ARGB फैन हब देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे भी एंटी स्पोर्ट्स का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। कुल मिला के गाइस इतने सारे चीजों को एंटी स्पोर्ट्स ने अपने बॉक्स के अंदर भर भर के दिया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। फिलहाल ये जो अनबॉक्सिंग था ये आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बता सकते हो कमेंट करके, और अगर आपके पास ये जो एंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला रॉयल फैन का किट है ये आपके पास अवेलेबल है, आप यूज़ करते हो, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल इस वाले बॉक्स के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो फैन किट है आप देख सकते हो, ये जो बॉक्स है बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग किया गया है, ऊपर में आपको एक डोर भी देखने को मिलता है जिससे आप इसको ऐसे लटका के ले जा सकते हो, कहीं पे भी इसको परचेस करो ऐसे लटका के भी ले जा सकते हो। वैसे ये चीज़ मुझे कुछ बैग का ख्याल दे रहा है। यहाँ पे अगर बॉक्स को देखो तो ये ब्लैक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, और यहाँ पे आपको सामने के साइड में 3 फैंस की यहाँ पे फोटो देखने को मिल जाता है, और ये जो फैंस है ये इसी बॉक्स के अंदर अवेलेबल है जो कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा। एंड साथ ही साथ बात की जाए बॉक्स के ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा डुअल साइड ARGB रिंग इल्यूमिनेशन, इसका मतलब यहाँ पे आपको डुअल साइड मतलब कि ये जो फैन है एंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से आता है, ये वाला जो फैन है इसके दोनों ही तरफ में आपको RGB देखने को मिल जाएगा, जो कि एड्रेसेबल ARGB यहाँ पे लाइट आपको दिया गया है। इसके मदद से दोनों ही साइड में, मानिए आप पीछे से आपके पीसी के कैबिनेट की तरफ देख रहे हो, उससे आप लाइट को फील कर पाओगे। सो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आसूस का ऑरा सिंक देखने को मिल जाएगा, गीगाबाइट का RGB फ्यूजन सिंक देखने को मिलेगा, MSI का यहाँ पे मास्ट्रिक लाइट सिंक देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ ASRock का यहाँ पे पॉलीक्रोम सिंक भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे सारी कंपनी के मदरबोर्ड के साथ इसका जो कनेक्शन है
बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है। और मैं जो मदरबोर्ड यूज़ करता हूँ, मेरा गीगाबाइट का ऑरस एलाइट B560M वाला मदरबोर्ड है, जिसमें ये आराम से चल जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। सो गाइस, अगर मैं इस फैन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये फैन पूरा का पूरा प्लास्टिक के बिल्ड क्वालिटी से ही बना हुआ है। बट यहाँ पे ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी तरीके का प्लास्टिक से बना हुआ है। आपको हाथ में पकड़ने से नहीं लगेगा कि यह चीप मटेरियल से तैयार किया गया है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे जो स्क्रू होल्स है इसके अंदर भी आपको रबर पैडिंग देखने को मिल जाता है। ये फैंस रिंग एल्यूमिनेशन के साथ आता है और ये जो फैन है, फैन के ऊपर में आपको एंट ईस्पोर्ट्स का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 9 ब्लेड जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। साथ ही साथ साइड में आप देख सकते हो क्रिस्टलाइज यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है दोनों ही साइड में। ये दोस्तों दोनों साइड में ही ये जलता है, आपको दोनों साइड से ही दिखाई देगा। इस फैंस के अंदर हमें 2 केबल देखने को मिल जाता है, एक दोस्तों स्पीड कंट्रोल करने के लिए BWM कनेक्टर एंड साथ ही साथ जो ARGB को कनेक्ट करने के लिए या फिर फैन को यहाँ पे पावर देने के लिए एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है। ये फैन 1200 RPM पे रन करता है, मतलब की 12 वोल्ट लगता है इसको रन होने में। और आप इसका जो स्पीड है उसको घटा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, जो की इसका BWM कनेक्टर है उसके मदद से। आपके पास एक रिमोट भी देखने को मिल जाता है, कंपनी की तरफ से रिमोट दिया गया है। जैसे कि आप देख तो रिमोट का क्वालिटी कुछ ऐसा टाइप का देखने को मिलता है और रिमोट का इस्तेमाल करके आप इसका जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो या फिर घटा भी सकते हो बहुत इजीली तरीके। बाकी इन फैंस के अंदर आपको 20 डेसिबल का नॉइज देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। और अगर आप किसी शांत रूम पे बैठे हो तो आपको कोई भी नॉइज यहां पे सुनाई नहीं देगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज है। और बॉक्स के अंदर ऊपर में ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि ये साइलेंट फैन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन फैंस के अंदर आपको हाइड्रोलिक पीयर मोटर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से ये जो फैन है बहुत ही स्मूथली रन करता है। मैं आपको यहाँ पे एक स्लो मोशन का क्लिप दिखा रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों ये स्लो मोशन है 120 FPS का, बट यहाँ पे ये जो स्पीड है वो भी बहुत ही जोर से ये फैन घूम रहा है, जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ पे हाइड्रोलिक पीयर मोटर के कारण से ये जो फैन है इसका जो लास्टिंग है वो भी बहुत ही लॉन्ग होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने कैबिनेट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इस फैन के अंदर जो कंट्रोलर आपको देखने को मिलता है उससे आप 5 फैंस को कनेक्ट कर सकते हो और उन फैंस के ARGB को भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर में आपको पावर भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्ट अपने मदरबोर्ड के साथ इन फैंस को कनेक्ट करके भी सिंक करके इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि अपना हर एक कंपनी का सिंक्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखा ही है सारी कंपनी का, यहाँ पे ऑरा सिंक बताओ या फिर गीगाबाइट का अपना फ्यूजन सिंक बताओ, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप मानिए एक साइलेंट रूम पे बैठ के काम कर रहे हो, मानिए कोई भी बंदा आके अपने रूम के अंदर घुस जाता है और सबसे पहला चीज जो उसका नोटिस होगा आंखों में जाएगा वो रहेगा इन फैंस का एयर फ्लो या फिर लाइटिंग फ्लो, वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे बहुत ही सारे और भी कंपनियों का हमारा जो फैन AIO किट वगैरह देखने को मिलता है वो तो मिल जाता है, बट यहाँ पे जो क्रिस्टलाइज फैन किट देखने को मिलता है वो ज्यादा यार अट्रैक्टिव है और आइस कैची टाइप का यहाँ पे फैंस एंट ईस्पोर्ट्स ने यहाँ पे तैयार किया है। जो फैंस पहले देखने को मिलते थे हमारे एंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले फैंस वो कुछ ऐसा टाइप का ही था, बट आपको मदरबोर्ड के साथ पेयर करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। बट ये जो पर्टिकुलर फैंस है इसके अंदर हमें ये जो फैसिलिटी है ये देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप चाहो तो 3-पिन कनेक्टर से इसको इस्तेमाल करके अपने मदरबोर्ड के साथ आराम से इजिली इसको सिंक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको किट देखने को मिलता है, एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है एंड साथ ही साथ इस बजट के अंदर आपको 3 फैन देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आपको सेटा केबल वगैरह भी दिया गया है बॉक्स के अंदर और एक हब भी दिया गया है जो कि फैन हब है, जिसके मदद से आप चाहो तो 9 फैंस को कनेक्ट कर सकते हो, वो चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अदरवाइज इस फैन का जो क्वालिटी है और बॉक्स कंटेंट बताओ सारा कुछ अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और इस फैन का मार्केट में वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है। आपको ये आराम से किसी भी दुकान पर देखने को नहीं मिलेगा, आपको अगर परचेस करना है तो आपको ऑनलाइन से ही परचेस करना पड़ेगा, ज्यादातर दुकान में तो नहीं मिलते हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ, मेरा घर कोलकाता में है, फिर भी मुझे ये फैन कोलकाता जो मार्केट है, आपको पता होगा कोलकाता में बहुत ही बड़ा PC मार्केट है और क्लेरियन MD कंप्यूटर्स नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, सो नहीं मिला मुझे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ Amazon पे मिला। और हाँ, अभी बात करते हैं ये जो है पर्टिकुलर फैन मुझे कितने प्राइस पे देखने को मिला है। और मैं एक मतलब सेल चल रहा था उस टाइम पे ही इसे परचेस किया था, अनबॉक्सिंग फिलहाल मैं बहुत ही दिन बाद दे रहा हूँ। ये देख सकते हो ये जो फैन है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 2350 रुपया पे मिला है और इसका जो करंट प्राइस है अभी तक मार्केट में वो आपको 3000 से लेके 3500 रुपया तक देखने को मिल जाता है। सो अगर आप परचेस करना चाहते हो बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस फैन का। और अगर आप परचेस करते हो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो सील है सील को देख के लेना, कंपनी का सील रहता है, तीनों साइड में सील रहता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया
काटते वक्त अनबॉक्सिंग के टाइम पे। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है एक फैन किट में जो रहना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर फैन भी खरीदने जाते हो ना, वो आपको 1000 रुपया लग जाता है। बट 1000 रुपया अगर पकड़ो, 3000 रुपया लगता है 3 फैन का। उसके साथ आपको रिमोट भी नहीं मिलता और हब भी नहीं मिलता, ठीक है, फैन हब। उसके साथ सेटा केबल भी दिया गया है। सो ये चीज ध्यान में रहे दोस्तों। बहुत ही सारे किट, मतलब एक किट का मतलब कॉम्बो पैक है, आपको पता ही होगा। जैसे कि कीबोर्ड और माउस का गेमिंग कॉम्बो पैक आता है, वैसा ही ये एक आपको गेमिंग टाइप का लुक दिलाने के लिए एंट स्पोर्ट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया। और प्राइस जो रखा गया है बहुत ही मिनिमल सा प्राइस है, और मेरे को ये जो प्राइसिंग है बहुत ही अच्छा लगा। मैंने खैर डिस्काउंट में परचेस किया, आप भी चाहो तो परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताना। और ये जो अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू वीडियो था, मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पर यह वीडियो बनाया, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, वीडियो मैंने तैयार कर दिया। ये जो वीडियो था, कोई क्वेश्चन है आपके पास कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो पे एक लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ इसी फैन के बिल्ड को लेके बहुत ही जल्दी, क्योंकि पीसी बिल्ड बहुत ही जल्दी आने वाला है हमारे चैनल के अंदर। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट वीडियो में एंट ई स्पोर्ट्स के बहुत ही जल्दी और एक वीडियो के साथ।